हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है भाई मेरे ऊपर नए व्लॉग में। भाई अगर आप करण में सुन लोग नए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 7:30 का टाइम हो गया भाई, और मैं आटा लेना आ रहा था चक्की पर। तो बारिश हो गई, आटा लेने आने तो बारिश हो गई, अब तो पहुँच गया चक्की पर। मैं बारिश भी नहीं कह सकते, जैसे मच्छर बूंद बोलने नहीं आता जिस तरह, तो मच्छर बूंद होने लग रही है। दिखाओ वहाँ पर मैंने, ये देख सको आप सड़क गिल्ली हो गई है, इतनी ही बूंद में भी सड़क गिल्ली हो गई। देखिए गाड़ी बदल सकते है नी? देखो बारिश हो गई है भाई, शुरू बूंद हो गई है शुरू। तो बाबा आटा लेना उड़ा था, बालक आटा चक्की अंदर है आटा। भाई ले आया था मैं ये बट्टा, ले आया था आटा, तो ये भी बूंद आ रही है। देखो अंधेरे में दिखाई नहीं देती बस, क्योंकि लाइट तो ऑन को नहीं है। तो ये स्कूटी है, स्कूटी में अंदर कर दूँ। तो आटा तो मैं ले आया था क्योंकि बूंद आ रही है नहीं, तो ये भी स्कूटी अंदर कर दूँ। भाई मैं आटा ले आया था और मैंने फिर स्कूटी अंदर कर दी थी, तो उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया था। तो ये टाइम हो गया 8:30 का टाइम हो गया, और पता क्या गर्मी बहुत थी, जैसे बूंद आ रही थी। तो बूंद इतनी नहीं आई, बस मच्छर वाली बूंद थी, मतलब इतनी को नहीं आई थी बूंद, बस उमस सी करनी थी, हमने उमस करी थी, लेकिन बूंद को नहीं आई। आप समझ लो कैसे बूंद थी, और गर्मी सी होगी थी जैसे, है ना। तो फिर मैं अपने कमरे पर आ गया था, और मैंने एसी चला दिया था। तो भाई मैं थोड़ा व्लॉग देख रहा था, तो किसी का दूसरा मतलब किसी और का देख रहा था व्लॉग, तो बहुत बढ़िया बना हुआ होगी व्लॉग। तो इस तरह एक दूसरे ने सपोर्ट करते रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते रहो, है ना। अपना भी ब्लॉगिंग का चैनल है, अगलों का भी, दूसरों का भी ब्लॉगिंग का चैनल है। तो किसी के साथ मतलब कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी अपन, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, कोई भी हो है, कोई भी बंदा हो, कोई भी, है ना। तो किसी के साथ ना जलैसी करनी, ना कंट्रोवर्सी करनी, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं ब्लॉगिंग में, आपा भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो इसी वास्ते तो वो भी अपना लाइफस्टाइल दिखा हुआ, जो भी पूरे घर का व्यू देगा, पूरा मतलब होम टूर देगा, जो भी मतलब अपने डेली रूटीन देगा, है ना। तो इस करता मतलब अपन है किसी के साथ मतलब कोई ना तो कंट्रोवर्सी करनी, ना कोई जलेसी करनी,
सबका साथ देना है, वो भी अपना साथ देंगे, तो सभी का साथ देना ना। तो अपनी यूट्यूब फैमिली है, अपने सब में मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना है ना। तो मैं अब अपने कमरे में था और मैं खाने का टाइम तो अभी हो गया, पिन्नी और मम्मी मतलब वो कर रही है, मतलब खाना वगैरह बना रही है, मतलब हाँ रोटी तो ये लगा लो 9 बजे तक बन जाएगी, और सब्जी वगैरह बना रही थी, दाल बना रही मम्मी, क्योंकि अपने घर पता क्या हुआ है, शाम में तो लगातार मतलब डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन रात में मतलब दाल ही बने, कोई ऐसा कभी कभी बने जाए, मतलब कभी घिया बना ली, कभी कुछ बना ली, मतलब पनीर भी कभी कभी बना है, मतलब पनीर भी डेली नहीं बनना बनता, तो फिर मतलब घिया भी कभी कभी बने, मतलब एक आधी बार अगर ये समझ लो जिस तरह दाल का जी उतर जाए ना, तो भाई कुछ और सब्जी बना ले, लेकिन डेली तो रात में हमेशा दाल ही बने, चाहे मूंगी मसरी की चाहे उड़द की। तो आप भी कमेंट करके बताइए आप क्या करा क्या बना करा हैं। और बस मैं अपने कमरे में बैठे तो क्या लेट रहा था है ना। टाइम हो गया 9:17 का टाइम हो गया, और मैंने पंखा चला दिया था, ये भी एसी चला दी क्योंकि गर्मी हो रही है, मैंने लगा गर्मी है, आपने भी लगा है कमेंट करके बताइए है। वैसे तो मतलब जितने भी हैं सारे कहने लग रहे हैं कि भाई गर्मी हो रही है एसी अपने चला दी, तो फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि गर्मी वाकई हो रही है या मतलब मैंने लगा, तो एसी भी मैंने चला दिया, तो भाई इतना मैं थोड़ी देर The next morning. तो भाई मैं गाड़ी ना ला दी पेड़ के नीचे, जो पार्किंग है ना वहां पे, टाइम हो गया 2:25 यानी कि भाई 2:30 बड़े हैं, और मैं अपने कमरे में और कटाई कर रहा था, तो अब नीचे जाकर देखूँ कि मम्मी ने क्या कुछ बना रखा है, दोपहर का भोजन का समय हो गया है, यानी आपने भी कर लियो गया या कुछ ना तो कर लियो गया, कुछ अभी कर रहे या कुछ ना नहीं कर रहे हो गया है ना। तो लंच टाइम हो गया, तो अभी लंच कर लूँ मैं, दोपहर का भोजन कर लूँ मैं, फिर मैं उसके बाद आपसे मिलता। पहली फुर्सत में निकल। खाना खा के आ गया था ऊपर, और भी ईद में ना थोड़ी देर
रेस्ट कर ली। तो कर लूँगा जी थोड़ी देर रेस्ट, अपना भी खाली हो गया, खाना आप भी कर दो, थोड़ी देर रेस्ट कर दो भी है ना। तो मतलब कोई जाती है मतलब आदत सी है, जिस तरह खाना खा लिया वो मतलब थोड़ी देर को रेस्ट करना चाहिए है ना। मैंने भी आदत आप सब ने भी मतलब आदत उठती है, हैबिट है बनी, खाना खा लिया उसके बाद थोड़ी बहुत देर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अपना जो खाना है वो क्या हो जाता है, पच जाता है। तो मैं कर लूँ रेस्ट। अच्छा तो भाई मैं भी मोटरसाइकिल लेकर जाऊँ एजेंसी में, जो अपने गांव का है ना उस बास लग रहे हो रहा है यूरो एजेंसी में। तो इसकी ब्रेक वगैरह है जो, जैसे ब्रेक व्रूक है ना जो, वो कसवा दूंगा, जो आगे पापा ने बोला था जो आगे तीन तार है ना, ये जो तीन तार ये आप देख रहे हो, ये तीन तार ये थोड़ी मतलब ठीक करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा ठीक, जो जिस तरह है मतलब ब्रेक ब्रूक जो भी है, ये जिस तरह ये ब्रेक, ये आली ब्रेक है, ये मतलब ये करवा दूंगा ठीक, कसवा दूंगा। तो मैं करवाया हूँ ये एजेंसी में ब्रेक ब्रूक ठीक। पहली फुर्सत में निकल